मुंबई के लोटस बिल्डिंग में लगी भयानक आग, काबू में, नौसेना की मदद से हुआ बचाव का काम। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मचारी खुद फंस गए थे आग में, एक की हादसे में मौत, 55 साल के थे नितिन येवलकर। बिल्डिंग की टेरेस पर थे सारे दमकल कर्मचारी, नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बचा। बिल्डिंग की आग में फंस गए थे 30 दमकल कर्मचारी, करीब 6 घंटे तक धू धू कर जलती रही इमारत। 22 मंजिला इमारत है लोटस पार्क, 42 दमकल की गाड़ियां थी मौके पर, ऊपर की 2 मंजिल आग में खाक। आग की वजह से कुछ कर्मचारियों की हालत बिगड़ी, कूपर अस्पताल में दाखिल कराए गए। बिल्डिंग में ऋतिक रोशन का है दफ्तर, खुद मौके पर आकर कर रहे थे पड़ताल। बहुत देर तक बिल्डिंग के नीचे खड़े रहे ऋतिक, हादसे को लेकर नजर आ रहे थे परेशान। मुंबई के अंधेरी इलाके में लोटस पार्क बिल्डिंग, तेज हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कत। आग लगने की वजह का अभी कोई पता नहीं, लाखों के नुकसान की आशंका, खाली करा ली गई थी पूरी इमारत। दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे पर बीजेपी में 2 राय, एक धड़ा सरकार बनाने के पक्ष में, दूसरा धड़े की राय, बीजेपी नहीं बनाए सरकार। पता नहीं कौन जोड़ तोड़ कर रहा है, कहाँ जोड़ तोड़ की सरकार बन रही है, ये आप ही लोगों के चैनल पे बातें हो रही, मैंने तो आज तक किसी से सुना नहीं, ना मैंने किसी को कहा, ना कभी आपको कहा। अभी दिल्ली में बीजेपी के हैं 28 विधायक, एक विधायक काली दल का, 30 विधायक सीटों पर होना है उपचुनाव। दिल्ली बीजेपी के कई नेता अभी नहीं चाहते चुनाव, सरकार बनाने की दे रहे हैं दलील। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार के पक्ष में दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल। दिल्ली के बीजेपी के विधायक रामवीर बिधूड़ी ने किया दावा, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक हमारे साथ, आलाकमान दे हरी झंडी, तो 24 घंटे में बना लेंगे सरकार। ये तो लीडरशिप है, उसको फैसला करना है, अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए तो बन जाएगी, ये तो पार्टी लीडरशिप को तय करना। बिजली पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, दिल्ली वालों को मिलेगी बिजली पर सब्सिडी। 100 से 200 यूनिट तक 1 रुपए 20 पैसे की सब्सिडी, 200 से 400 यूनिट तक 80 पैसे सब्सिडी। 400 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी, बिजली की बेकार खपत रोकने के लिए पहल। लखनऊ में गैंगरेप की शिकार हुई महिला की शिनाख्त, एक अस्पताल में काम करती थी महिला। कल लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक स्कूल से मिला था महिला का शव, शरीर पर थे चाकुओं से गोदे जाने के निशान। पोस्टमार्टम में रेप के बाद हत्या की पुष्टि, गैंगरेप के दौरान निर्भया जैसी हुई दरिंदगी। रेप पर फिर मुलायम सिंह यादव का विवादास्पद बयान, कहा 21 करोड़ की आबादी वाले यूपी में है, बेहद कम होती है ऐसी वारदात। इक्कीस करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं है हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। यूपी के फिरोजाबाद में भी कानून से बेखौफ बदमाश, नाबालिग के साथ बलात्कार। घर के सामने रहने वाले 2 सगे भाई और उसके पिता आरोपी, लड़की को बना लिया था बंधक। परिवार वालों ने ही लड़की को ढूंढा, तीनों आरोपी गिरफ्तार, लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने बयान। यूपी में चौपट कानून व्यवस्था का बागपत में फिर दिखा नमूना, दबंगों ने मां के सामने तमंचे की नोक पर बेटी से किया गैंगरेप। कई दिन से लड़की से हो रही छेड़छाड़ के विरोध में परिवार ने पुलिस को दी थी शिकायत, गुस्साए बेखौफ अपराधियों ने किया गैंगरेप। बागपत कोतवाली इलाके के गौरीपुर गांव की घटना, आरोपियों की अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। यूपी के हरदोई में मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ गैंगरेप, बनारस की रहने वाली थी लड़की। ट्रेन में बैठकर पटना पहुंच गई थी लड़की, वहां से लोगों ने वापसी की ट्रेन में बिठाया, यही मिले थे आरोपी। यूपी के अलीगढ़ में छात्रा पर एसिड अटैक, 11वीं की छात्रा करती थी पार्ट टाइम जॉब, घर लौटते वक्त हुआ हमला। यूपी पुलिस में सिपाही की बेटी है पीड़ित, अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश।
यूपी के हाथरस जंक्शन से बदहवास हालत में मिली दो लड़कियां, दोनों से गैंगरेप की आशंका, रेलवे पुलिस कर रही पूछताछ। दोनों लड़कियों का 10 जुलाई को अलीगढ़ से हुआ था अपहरण, पांच लड़कों ने अनजान जगह पर ले जाकर किया था रेप। सगी बहनें हैं दोनों पीड़ित लड़कियां, लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपियों की तलाश जारी। महिलाओं के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार की संजीदगी का खुलासा, बलात्कार के मुद्दे पर बहस की मांग के दौरान झपकी ले रहे थे मुख्यमंत्री। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर अकाली दल का जोरदार प्रदर्शन, हरियाणा सरकार द्वारा अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के फैसले का विरोध। सोनिया के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे तमाम अकाली दल के कार्यकर्ता, पुलिस ने बैरिकेडिंग का रोका। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जलाया कांग्रेस का पोस्टर, हिरासत में लिए गए दो नेता। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम अन्याय के लिए अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, और जो हरियाणा कमेटी है किसी कीमत पर हम उसको नहीं देंगे। पांच दिन की ब्राजील यात्रा के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देर रात पहुंचे आईजीआई एयरपोर्ट। रास्ते में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट रुके मोदी, चांसलर एंजेला मर्केल से की फोन पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी एंजेला मर्केल को फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने और जन्मदिन की बधाई। पांच दिन यात्रा में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के अलावा रूस और चीन के राष्ट्र अध्यक्षों से मिले प्रधानमंत्री। 100 करोड़ डॉलर के ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की हुई स्थापना, बैंक का पहला सीईओ भारतीय होने का लिया गया फैसला। दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिनभर रुक रुक कर बारिश, उमस और गर्मी से राहत। दिल्ली में नालों की सफाई ना होने से कई इलाकों में बारिश बनी मुसीबत, घरों में घुसा पानी। द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास बने घरों के पास रात भर जगे रहे लोग, भीगने से बर्बाद हुआ सामान। उत्तराखंड में बारिश की वजह से चार धाम जाने वाले श्रद्धालु फंसे, रोकी गई बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा। 60 घंटे से लगातार हो रही है बारिश, हेमकुंड साहब की यात्रा भी रुकी, सैकड़ों लोग रास्ते में। जोशीमठ से श्रीनगर के बीच का रास्ता भी बंद, तमाम नदियां उफान पर। बारिश की वजह से चमोली में बंद किए गए स्कूल, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश से बंद हुए रास्ते, मरम्मत के काम में जुटा प्रशासन। दिल्ली में युगांडा की लड़की के साथ रेप, महिपालपुर के पास फेंक कर फरार हुए आरोपी। गुड़गांव के सहारा मॉल के बाहर खड़ी थी पीड़ित, आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने किया था अगवा। दिल्ली के मयूर विहार में हिल्टन होटल के पास टेम्पो मिला 315 किलो गांजा, इस टेम्पो में पाया गया, गाड़ी पर लगा था इंडियन रेलवे का स्टिकर। पुलिस के मुताबिक करीब 10 लाख कीमत का है गांजा, अशोकनगर इलाके से पहले भी पकड़ी गई थी 400 किलो की खेप। नोएडा स्टेडियम में पेड़ पर लटकी मिली लड़के की लाश, पुलिस को सुसाइड का शक, कम नंबर आने से था परेशान। 6 साल की मासूम से बैंगलोर में रेप के बाद भड़का गुस्सा, आज भी राज्य भर में होंगे विरोध प्रदर्शन। स्कूल की चार दीवारी के भीतर बच्ची से रेप, गुस्साए अभिभावकों ने गुरुवार को भी किया था स्कूल में प्रदर्शन। स्कूल के भीतर भी दाखिल हुए नाराज अभिभावक, बिल्डिंग में की तोड़फोड़, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बैंगलोर में हैवानियत की एक और वारदात, घर में जबरन घुसकर दो युवकों ने किया नाबालिग से रेप। घर में घुसकर लड़की के चेहरे पर स्प्रे के जरिए लड़की को बदहवास करने के बाद किया रेप, आंध्र प्रदेश से आध्यात्मिक ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर आई थी लड़की। बोकारो में नाबालिग से हैवानियत, रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद लड़की को जिंदा जलाया। घर में सो रही बच्ची पर जबरन घर में दाखिल होकर की रेप की कोशिश, बाद में केरोसिन डालकर लगाई आग। 86% झुलसने के बाद बच्ची बोकारो के सिविल अस्पताल में भर्ती, बच्ची की हालत नाजुक।
जोधपुर में पुलिस ने आसाराम के एक समर्थक को किया गिरफ्तार। आसाराम केस की पीड़ित को धमकी देने का आरोप। कैसे ये होटल से बाहर निकले, घूमता हुआ मिले, कोई वारदात इसके साथ करे, इस प्रकार से वो होटल के बाहर गाड़ी लेके खड़े थे। मैंने बाहर विंडो में से देखा था, ऊपर कांच में से, तो मैंने पहचान लिया था कि ये तो अर्जुन है। और एक और इसके साथ जो लड़की थी वो रेखा नाम की, आश्रम की संचालिका ही है। नोएडा के सेक्टर 18 की PNB शाखा में आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। आग लगने के कारणों की जांच जारी। बैंक में रखा सामान आग में जलकर हुआ खाक। दिल्ली के मंदावली की सोनम पर पति सचिन ने किया कातिलाना हमला, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती सोनम। जन्मदिन के दिन पति सचिन ने सोनम पर किया जानलेवा हमला, सास और पड़ोसियों के शोर मचाने के बाद बची जान। 4 साल पहले हुई थी सचिन और सोनम की शादी, पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का है आरोप। ग्वालियर में SP प्रमोद वर्मा पर पत्नी ने लगाया महिला पुलिस अधिकारियों से नाजायज संबंध का आरोप, प्रताड़ित करने की शिकायत DGP को भेजी। DGP ने महिला सेल को सौंपी जांच, ग्वालियर SP पद से हटाकर SP का पुलिस हेडक्वार्टर में किया गया ट्रांसफर। राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना के बेटे पर गंभीर आरोप, अलवर में दोस्तों के साथ मिलकर महिला से छेड़छाड़ और गाली गलौज का आरोप। अलवर पुलिस ने धारा 509 और 354 के तहत मामला किया दर्ज, मंत्री के आरोपी बेटे का एक दोस्त गिरफ्तार, 3 की तलाश। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना के बेटे की करतूत पर डाला गया पर्दा, कहा ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कहा जा रहा है। हमले में क्रैश हुए मलेशियाई विमान के हादसे के पहले की तस्वीरें, बोर्डिंग के वक्त का वीडियो। जहाज को 33,000 फुट की ऊंचाई पर मिसाइल से मार गिराया गया, हादसे में सभी 295 लोगों की मौत। एम्स्टरडैम से कुआलालंपुर जा रहा था विमान, 15 किलोमीटर तक बिखरा मलबा। प्लेन को अलगाववादियों ने निशाना बनाए जाने का शक, मिसाइल से प्लेन पर हमले की आशंका। यूक्रेन में विद्रोहियों के नेता इगोर गिरकिन ने ली मलेशियाई विमान पर हमले की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल के हवाले से खबर।